देश में एक पुनरुत्थान लानी है, जिसमें जो जिनको जोड़ सकते हैं उनको भी जोड़ेंगे। हिंदू को तो एक करना ही है हिंदुत्व के आधार पर, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो हमसे पैदा नहीं हुए, उन जो हमसे पैदा हुए उनका तो कोई सवाल ही नहीं है। उनसे तो उनको कई बातों पर दुखी है, उस दुख को दूर करना है, जैसे सिखों के साथ जो हुआ। गुरु टेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो हिंदू का हाल क्या होता हमारे देश में। और वही सिख के साथ ये कांग्रेसियों ने 1984 में जो किया है उसका आज तक किसी को सजा नहीं मिली है। इसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। और बुद्ध और जैन कोई समस्या नहीं। जो धर्म दूसरे देश में पैदा हुआ और वो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनाने चाहते हैं उससे हमारी समस्या है। वो संगठित हैं, हम संगठित नहीं हैं। हम लोगों को आज भी वो अर्जुना की बीमारी है। महाभारत चल रही है, आमने सामने फौज खड़ी है और ये हथियार डाल करके कहता मैं भाई को कैसे मारूं। ये हिंदू का समस्या है। मुसलमान और क्रिश्चियन का दिमाग साफ है, हिंदू का दिमाग उलझन में है। वो कल्पना नहीं है। 1 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं कुंभ मेला में, कोई निमंत्रण नहीं, कोई हज का सब्सिडी भी नहीं है, हज जैसा सब्सिडी अपने आप आ जाते हैं। 1 करोड़ इकट्ठे होते हैं और सब खत्म होने के बाद वापस आते हैं तो उनसे पूछो कि मजा आया कि इतने हिंदुओं के साथ इकट्ठा हुए। नहीं नहीं मैं उसके लिए नहीं गया, मेरा बेटी की शादी नहीं हो रही थी इसीलिए प्रार्थना करने के लिए गया। इसको चेतना कहते हैं। और यही सावरकर बदलने चाहता था। तो हमारे देश में आज हिंदुत्व के जब कहेंगे तो हम किसी को बाहर रखने के लिए तैयार नहीं। मुसलमान क्रिश्चियन तुम इसके हिस्सा बनने चाहते हो, हम आपको हिंदू नहीं कहेंगे, हम आपको हिंदुस्तानी कहेंगे और हिंदुस्तान का हिस्सा आप बनेंगे। हिंदुस्तान जो है वो अस्मिता है, भारत जो है वो गणराज्य का कल्पना है। भारत का भारत देश, गणराज्य भारत देश, लेकिन अस्मिता हिंदुस्तान और उसके मूल धारा हिंदू। और हो सकते हैं आपके उपासना पद्धति कुछ भी हो परंतु संस्कृति हमारी स्वीकार करने में आपको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इंडोनेशिया में मुस्लिम हैं मेजॉरिटी में, डेमोक्रेसी है, एकमात्र देश दुनिया में जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है और डेमोक्रेसी भी है, सेक्युलरिज्म भी है, क्योंकि वो हिंदुआइज्ड मुसलमान है। उनके नाम आज भी संस्कृत नाम है, सुकर्णा सुहर्तो युद्ध ओनो, ये सारे जो नाम इंडोनेशियंस के हैं वो संस्कृत से आए हुए हैं। उनका एयरलाइन का नाम गरुड़ा, हम लोगों का एयरलाइन का नाम सेक्युलर एयर इंडिया, हमें गरुड़ा कहने में शर्म आता है। और जकार्ता के जो मेन बाजार है वहां रथ है कृष्ण भगवान की, वो जो वचन दे रहे हैं अर्जुना का वो रथ है मेन रोड में। मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस गया था, तब मुझे 10,000 रुपये वहाँ का, 10,000 रुपये का कीमत हमसे 10,000 रुपये से कम है तो आसानी से वो, जैसे हम 1,000 रुपये चलाते हैं वैसे वो 10,000 चलाते हैं। उसमें मैंने देखा गणपति का पिक्चर। अब मैं तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता कि हमारे देश में गणपति का पिक्चर होगा हमारे 100-1,000 रुपये नोट में, उनके 10,000 रुपये नोट में। मेरे कॉन्फ्रेंस में
इंडोनेशिया का, मैं उस समय कॉमर्स मिनिस्टर था चंद्रशेखर की सरकार में, और मेरे पास बैठे थे इंडोनेशिया का फाइनेंस मिनिस्टर। तो मैंने उनसे पूछा, ये हमारे भगवान को कैसे आपने 10,000 रुपए के नोट में रखे? वो कहा कि 1997 का फाइनेंशियल क्राइसिस आपको याद है? मैंने कहा बिल्कुल याद है, सारे ईस्ट एशियन नेशंस की करेंसी गिर रही थी। वो कह रहे थे हमारी तो सबसे तेजी से गिर रही थी। मुझे किसी ने कहा कि गणपति का फोटो डाल दो और गिरावट रुक जाएगी, और मैंने फोटो लगाया और रुक गई। तो ये मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया। वहां सारे जो हिंदू की चिन्ह आज भी हैं, थाईलैंड में तो बुद्धिस्ट है तो नाम अयोध्या, एयरपोर्ट में रामचंद्र जी का फोटो, जब यहां हम राम सेतु तोड़ने की हमारी सरकार प्रयास कर रही थी तब मुझे एक थाईलैंड ने कहा तुम लोग पागल हो, इतना पूजनीय थिंग अब तो टूटेगा नहीं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ले ली और नितिन गडकरी मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने ऐलान कर दिया नो छोएंगे नहीं। तो इसीलिए हमारे देश में ये जो हीन भावना है हमारे में, इसको मिटाने के लिए सावरकर ने प्रयास की थी। ये हीन भावना, जो भी हमारी चीज को लेते हैं तुरंत हम डरते हैं कि कोई कम्युनल कह दे। योगा के बारे लोग हंसते थे हमारे देश में जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग थे, अब योगा सारा अमेरिका में एक एक शहर में योगा के दुकान खुले हुए हैं। जहां भी जाइए अब यहां से साधु सन्यासी सब जा रहे हैं, वहां आश्रम खोल रहे हैं। अब संस्कृत को भी सीखने के लिए प्रोग्राम बन रही है अमेरिका में और इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि नासा ने रिसर्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने ज्ञान का भंडार कंप्यूटर में रखना है। हर व्यक्ति जीवन में ज्ञान प्राप्त करता है फिर मर जाता है, उसके साथ ज्ञान भी मर जाती है, तो रिटायर होने के बाद वो कंप्यूटर से बात करेगा और कहेगा मैंने ये सीखा है, और कंप्यूटर उसको उसका विश्लेषण करके ग्रंथ में तैयार करेगी। लेकिन अनेक भाषाएं हैं तो किस भाषा में रिकॉर्ड करें? कंप्यूटर को अंग्रेजी भाषा बोलोगे तो वो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि PUT पुट है, BUT बट है, तो कोई कहता है पुट और बट तो वो दूसरे दूसरे स्पेलिंग में उलझन हो जाती है। इसी प्रकार से फ्रेंच में भी। तो रिसर्च करने के बाद नासा के जो जर्नल है जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनमें लिखा कि कोई नया भाषा तैयार करने के लिए तैयार नहीं, आवश्यकता नहीं है, एक बहुत प्राचीन पुरानी भाषा है संस्कृत, वो सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज भाषा। ये आप गूगल में जाके तो देख सकते हो, नासा संस्कृत लिखिए सारा मिल जाएगा। और हमारे देश में हम कहते हैं संस्कृत को ऑप्शनल कर दो, अरे कम्युनल विरोध हो जाए, और सब ऐसे अज्ञान में विरोध करते हैं। करुणानिधि ने मुझे एक बार कहा कि संस्कृत कैसा हो सकता, हम तमिल हैं, हमारे अभी बहुत पुराना है। लेकिन मैंने कहा कि तुम्हारा बहुत पुराना है तो ये तुम्हारा नाम करुणानिधि कैसा है, ये भी संस्कृत शब्द है। उनका इलेक्शन सिंबल को करुणानिधि क्या बोलता है? चिन्नम, संस्कृत में चिन्ह। और क्या है? उदयन सूर्यन, यानी चढ़ता हुआ सूरज, वो है उनका चिन्ह। अब उनके ब्रेन वॉशिंग हुई है, उस ब्रेन वॉशिंग के कारण आज हमारे देश में लोग बोलते हैं, और इसके लिए पैसा खूब लग रही है। हमने NGOs को छानबीन करने के लगे कितने चिल्ला रहे। अभी IIT में क्या हुआ? फेरियार सोसाइटी। ये पेरियार माने क्या?
बड़ा आदमी पेरी पेरस मीन्स बहुत पेरी यार माने जो एक बहुत मान्य व्यक्ति है महात्मा जैसा वो कौन था ईवी रामास्वामी नायकर वो भी संस्कृत की बुराई करता था परंतु नाम रामास्वामी रखता था उसके नाम पर उसको अंग्रेजों ने सिखाया तुम्हें इस ये जो हिंदू धर्म है और जो ब्राह्मण लोग हैं ये आपको गुलाम किया है ये गरीबी हमने नहीं किया ये ब्राह्मण लोगों ने किया और उनको खूब पैसा दिया आंदोलन शुरू किया और एक द्राविड़ आंदोलन शुरू हुआ ये भी मैंने करुणानिधि को समझाया ये शब्द द्राविड़ा कहां से आया ये आदि शंकरा जब उत्तर भारत गए तो मंदना मिश्रा ने उनसे पूछा तुम कौन हो उन्होंने कहा मैं द्राविड़ा शिशु हूं उन्होंने कहा कि शिशु तो समझते हैं पर द्राविड़ा क्या है उन्होंने कहा संधि है दो शब्दों का त्र और विद जहां तीन समुद्र जुड़ते हैं उस इलाका से मैं आया हूं दक्षिण भारत करुणानिधि रावण का पूजा करते करते थे अब नहीं करते क्यों नहीं करते अब उनको मैंने समझा दिया कि रावण ब्राह्मण था इसीलिए वो नहीं करते और मैंने ये भी बताया उनको कि ब्राह्मण तो रावण तो श्रीलंका में नहीं पैदा हुआ वो दिल्ली के परिसर के उस पार नोएडा में एक गांव है बसरक उस गांव में पैदा हुआ उसकी उसकी पत्नी मंदोदरी मेरठ में पैदा हुई अब वो कहता है नहीं रावण का बात नहीं करता है मैंने एक बार यहाँ पहले भी सभा करते वो आपको बताया कि एक दिन मैं जब मैं सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा था राम सेतु को बचाने के लिए तो करुणानिधि गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ये कौन होता है स्वामी इसको राम सेतु कहने के लिए राम कोई इंजीनियर था कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो, और नहीं है तो फिर कैसा राम सेतु हो सकता है दूसरे दिन बहुत बीमार पड़ गए और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना था हॉस्पिटल का नाम रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल बिना पता करे कि उसके पास MBBS है कि नहीं राम के पास MBBS है कि नहीं वो रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल में गए अभी बहुत सुधर गए हैं उनका पोता का शादी है तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखा कि तुम आओगे कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा परंतु तो एक मीठी चिट्ठी लिखूंगा उनको क्योंकि अब उनका उम्र है 93 मैंने एक बार उनको कहा कि एक दिन तुम हिंदू राष्ट्र देखोगे हिंदुस्तान में और तुम्हें माथे में मैं टीका लगाने के लिए आऊंगा तो ये सारा आज जो अब यही IIT में हो रहा है वहां वो सारे हिंदू की जो जो भी मान्यता उसके विपरीत में वो सोसाइटी काम करती है गौ मास तो प्रतिबंध लगना है वो कहते हैं कि हम डिनर रखेंगे दुनिया प्रकार के जो भी हिंदुओं की जो मान्यता है उसके विपरीत अब उस पर बैन लगे कहते हैं स्वाधीनता फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर अंबेडकर ने समझाया मैं डॉक्टर अंबेडकर नाम इसीलिए ले रहा हूँ इसमें क्योंकि इस सोसाइटी का नाम है पेरियार अंबेडकर सोसाइटी अंबेडकर ने कहा है स्वाधीनता है बोलने के लिए आप बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे जैसे आप नहीं कह सकते हिंदुस्तान का चार टुकड़ा कर दो आपको अधिकार नहीं है बोलोगे तो जेल सेडिशन पर हर चीज पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं कपड़े के बिना पैदल जाऊंगा सड़क पर यह मेरा आजादी है कि मैं कपड़ा पहनता हूं कि नहीं पहनता हूं नॉट अलाउड कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप यह नहीं कह सकते पाकिस्तान को जीतना चाहिए हमारे साथ जंग में उसके लिए भी अधिकार नहीं तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है और ये लोग जो कर रहे थे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में कर रहे थे और इसीलिए
जैसे हमारे स्मृति ईरानी से चिट्ठी गई, वहाँ के डायरेक्टर ने जो करना था उन्होंने किया, सही किया, बड़ा आंदोलन हो रहा है, सारे लोग इस देश की जो विघटन चाहते हैं वो सब एक साथ हो गए। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि विघटन शक्तियाँ अनेक, हम लोग एक नहीं हैं, हम 80% हैं। 40% एक हो जाएंगे तो पार्लियामेंट में आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी। इस बार 30% इकट्ठे हुए, हमें मेजॉरिटी मिल गई। अगले चुनाव में 40% कर दो, 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, जो हमें संविधान में करना कर सकेंगे। क्या करना है? सिर्फ अपने को हिंदू मानना है। ये जो वर्ण व्यवस्था 4 बनी, ये कृष्ण भगवान ने साफ कहा है गीता में कि ये गुण के आधार पर बनी है, ये एक अनुशासन है, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है, ये जन्म से जुड़ा नहीं है। जन्म से बनने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु अनिवार्यता भी नहीं है। विश्वामित्र ऋषियों के ऋषि थे, लेकिन क्षत्रिय घर में पैदा हुए। जिन्होंने महाभारत लिखी, वेद व्यासा, उनका मां मछुआरा थी। वाल्मीकि के बारे कहा जाता है, वाल्मीकि की समुदाय भी मानते हैं कि वो दलित थे, दलित परिवार में पैदा हुए, लेकिन मां ऋषि बने और रामायण लिखी। कालिदासा तो जंगलों में शाखा काटते थे पेड़ों के, वनवासी थे, वो महाकवि बने, महर्षि और महाकवि। तो इसीलिए ये कोई नहीं कह सकता कि जन्म से, ये तो एक अनुशासन है। ब्राह्मण है तो फिर विद्या पर आपको केंद्रित होना है, आपके पास संपत्ति नहीं होना चाहिए, आपके पास शस्त्र नहीं होना चाहिए, आपके पास भूमि नहीं होना चाहिए, और साधारण कपड़ा पहनना चाहिए। इसीलिए जब हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति को, अनजाने हम उसको आदर करते हैं, जैसे महात्मा गांधी लंगोटी पहन के घूमते थे, हमने उनको आदर किया। और अमेरिका में किसी को समझ में नहीं आई, जब मैं विद्यार्थी था वहाँ लोग को यही पूछते थे, इस आदमी के पीछे कैसे आप जा सकते हो, दुबला पतला, उसका स्केलेटन भी दिखता है, रिब्स भी दिखता है, और लंगोटी पहन के घूमता है, उसके पीछे आप कैसे जा सकते हो। मैंने पूछा कि आपके देश में नेता कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शानदार सूट बूट टाई चमका हुआ जूता, नहीं तो हम उसको नेता नहीं मानेंगे। उनके धर्मगुरु को भी नहीं मानते जब तक वो सैटिन गाउन में नहीं आते। अब पोप देखिए कितना सजा वो आता है। और हमारे देश में हमने कभी नहीं ये सोचा कि धन के आधार पर समाज में आपकी क्या स्थान होगी। धन के लिए हम धन बनाने में किसी की आपत्ति, यानी हमारे धर्म में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन धर्म के इसमें डूब जाना ये हमारा नहीं था। तो मैं आज